अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह और हम लोग हैं आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतनलाल जी के साथ, जो बहुत ही चर्चित चेहरे हैं और किसी नाम के तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर साहब, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आपने ईवीएम्स को लेकर बहुत सारी बातें बोली हैं और बहुत सारे आपने मंचों पर साझा करके ईवीएम के बारे में बोला है और आपके कई स्टेटमेंट्स में बोला है कि आपने ईवीएम की जीत हुई है और देश की हार हुई है, तो ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे क्या एक उद्देश्य है वो बताएं। नहीं, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और देश की आवाम जी, जो बहुसंख्यक आवाम है जी, वो हारा हुआ महसूस नहीं कर रही है और उनको लगता है कि ईवीएम के साथ उनकी वोट की जो है एक तरह से चोरी हुई है, डकैती हुई है जी। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और चुनाव के दरमियान ही एक खबर आई थी कि 20 लाख ईवीएम मशीन गायब हो गए हैं जी। और उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स आंकड़े आ रहे हैं कि जो पोल्ड वोट है और काउंटेड वोट है उसमें मिलान नहीं हुआ है और तमाम, अभी तो ये शोध का विषय है, हम लोग इस पर एक टीम भी गठित कर रहे हैं कि जो कॉम्परेटिव एनालिसिस करे। तो मिला जुला के हम लोग तो लगातार इस पर आंदोलन चलाते ही रहे हैं और आज आप लोग से इस विषय पे विस्तार से बात भी होगी कि भाई अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है परसों तरसों कि यहाँ जो इलेक्शन हुआ है अभी वो फेयर हुआ है। अब सवाल उलट के पूछिए कि आपसे पूछा किसने था जी। जो आप कह ही रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जी। नंबर एक। नंबर दो, अगर ईवीएम से इलेक्शन इतना फेयर ही है तो अमेरिका क्यों नहीं अपने यहाँ ईवीएम से इलेक्शन करवाता है, या जहाँ ईवीएम जर्मनी में या जापान में और तमाम ऐसे देशों में क्यों नहीं ईवीएम से इलेक्शन होता है जी। तो इसका मतलब है कि मशीन को तो आदमी बनाता है और उसमें अगर आदमी बना रहा है तो जाहिर है उसमें छेड़छाड़ की संभावना हो ही सकती है और हो ही जाती है जी। और जब आप कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी लोकशाही है तो ये लोकशाही में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में है जी। तो इसलिए ईवीएम पे हम लोग को भरोसा, पहले भी चाहे कोई इलेक्शन जीते या हारे, ना हमारी पार्टी है ना हम चुनाव लड़ते हैं जी। हमारा कंसर्न है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। अगर हम बैंक में अगर 5,000 रुपये ATM से निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये बचे हुए हैं जी। और यहाँ वोट दिए और कहाँ चला गया कहाँ नहीं गया उसका कोई था पता नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी लोकशाही दुनिया की, इसकी लोकशाही खतरे में है जी। तो लगातार हम लोग सवाल उठाते रहे हैं और हम अचंभित इस बात को लेकर हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव हारी है और सबको पता है, अभी क्विंट ने पूरा एक रिपोर्ट छापा है जिसमें उन्होंने बताया है कि 373 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर, जो चार चरण के, तीन चरण छोड़ दीजिए, पहले चार चरण के, उसमें जो वोट पोल्ड है और जो काउंटेड है उसमें डिस्क्रिपेंसी है। उन्होंने ईमेल भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को, इसका जवाब दीजिए, लेकिन जवाब देने के बजाय वो आपने जो है पूरा वहाँ से वो हटा ही दिया, वेबसाइट से वो पेज ही हटा दिया। भाई पहले भी इलेक्शन होता था, पहले 77 में हुआ, उसका ईवीएम से पहले के युग में जाइए तो 4 दिन में पूरे देश में चुनाव हो जाता था। और जब ईवीएम आ गया आपके पास, कह रहे हैं, और इतनी फोर्सेस हैं आपके पास, टेक्नोलॉजी है, सर्वेलेंस है तमाम, अब बूथ लूट कोई कर भी नहीं सकता है, लोग भी सजग हो गए हैं, तो ये 7 चरण में चुनाव कराना 2 महीने में, और उसका क्या, इसके मंशा कुछ डाउटफुल लग रहा है। इसलिए हम लोग लगातार ईवीएम का विरोध करते रहे हैं, अभी भी करेंगे, आज भी उस पर चर्चा है और पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करेंगे कि ये पूरा हेरा फेरी है, घपलेबाजी है और ये इलेक्शन जो हुआ है रिग्ड इलेक्शन है, इसमें एक तरह से हेरा रिगिंग हुई है, वोट की चोरी हुई है। तो हम राष्ट्रपति से भी अपील करेंगे, देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करेंगे कि इसको मुद्दा बनाया जाए, एक पॉलिटिकल इशू है, नहीं तो एक तरह से ये तानाशाही की ओर हम लोग जा रहे हैं जी। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए कि आज जो है बहुजन समाज के लोगों को ही सबसे ज़्यादा ईवीएम से आपत्ति है, जबकि नेशनल पार्टी कांग्रेस है वो इसके बारे में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करती है, इसके पीछे क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, बहुजन लोगों को आपत्ति है, आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे जी, तो ईवीएम के खिलाफ जितने लोग लिख रहे हैं वो SC ST OBC लोग हैं, क्योंकि बहुसंख्यक वोट इन्हीं के पास है जी। और उनको लग रहा है कि इनका माइनॉरिटी जितने लोग हैं कि उनका वोट चला गया है जी। जो लोग इसका विरोध नहीं, जो ईवीएम के समर्थन में लिख रहे हैं, आप देखेंगे 99% उस देश के सवर्ण हैं जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हेराफेरी है इस मामले में जी। सवाल है कि बहुजन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बहुजन पार्टियाँ क्यों नहीं विरोध कर रही हैं जी।
हमारा मसला ये है कि आप हारे हैं चुनाव, मंत्री आपको बनना था, विधायक आपको बनना था, एमपी आपको बनना था, आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं जी। तो इसलिए इस मुद्दा को हम लोग वन पॉइंट प्रोग्राम इसी मुद्दा को आगे लेकर चलेंगे और तमाम संगठनों, और संभवतः अभी आप चल ही रहे हैं, 8 जून को हम लोग शाम में एक प्रतिरोध दिवस ईवीएम के खिलाफ एक प्रतिरोध दिवस का कॉल दे रहे हैं जी। कि देश भर के जितने संगठन हैं सामाजिक राजनीतिक, अपना अपना झंडा बैनर लेके जहां भी खड़े हों, जहां भी शहर के चौराहे पे मेन बिंदु पे, वहां पे आप जाइए और ईवीएम के खिलाफ कैंडल लाइट मार्च निकालिए और नेशन वाइड इसका कॉल आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।